स्वागत है आपका केमिस्ट्री मास्टर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, जिसमें हम स्पेसिफिकली 1,3 डिस्कनेक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1,2 डिस्कनेक्शन को डिस्कस किया था, तो आइए देखते हैं 1,3 डिस्कनेक्शन है क्या। तो 1,3 डिस्कनेक्शन जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है कि इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों फंक्शनल भी ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो 1,3 का रिलेशन होगा। मींस कि एक फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा होगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन से जुड़ा होगा, और एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम 1,3 डिस्कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमने कुछ इस तरह से लिया है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन पे यहाँ पे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वहाँ से थर्ड कार्बन पे हमारे पास सल्फर एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट है। यानी कि ये कुछ आप समझिए ईथर की तरह है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे ईथर होता और एक फंक्शनल ग्रुप होता। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर एज ए हेट्रो एटम है, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अब हम डिस्कनेक्शन की जब बात करते हैं तो हम पहले से जानते हैं कि हमको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पे कभी भी डिस्कनेक्शन नहीं करना चाहिए, जो कि वैलिड डिस्कनेक्शन नहीं माना जाता है। तो वैलिड डिस्कनेक्शन वो डिस्कनेक्शन होगा जो कि बीच में कहीं फंक्शनल ग्रुप या हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट है तो उसके जुड़े हुए कार्बन के साथ हम कार्बन उसका डिस्कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन आपका सल्फर और थर्ड कार्बन के साथ हो सकता है, और सल्फर और उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट कार्बन के बीच में हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो आपका ये एक फंक्शनल यहाँ पे डिस्कनेक्शन मिल सकता है और दूसरा डिस्कनेक्शन आपको यहाँ मिल सकता है। तो अगर हम देखें कि बात करते हैं 1,3 डिस्कनेक्शन की, तो 1,3 डिस्कनेक्शन में आपका ज़्यादा रिलायबल डिस्कनेक्शन आपको थर्ड पोजीशन से जुड़े हुए कार्बन के साथ जो सल्फर है उसके ब्रेक करने से मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमें 1,3 डिस्कनेक्शन मिलता है। तो इसलिए हमें आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्कनेक्शन है उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। ज़्यादा बेटर ये है कि हम थर्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए सल्फर को डिस्कनेक्ट करें। जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको दो सिंथोन्स मिलेंगे। सिंथोन्स मिलने पे आपको सल्फर पे माइनस चार्ज मिलेगा, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पोजिशन पे जो कार्बन है उससे, और यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस तरह के डिस्कनेक्शन को हम 1,3 डिस्कनेक्शन कहते हैं। और रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर आप 1,3 DIX लिखेंगे। तो सल्फर को और सल्फर से जुड़े हुए स्पीशीज़ को जब हमने डिस्कनेक्ट किया तो हमको दो सिंथॉन्स मिले। इनमें से अगर आप देखें एक सिंथॉन में थर्ड पोजीशन प्लस चार्ज है, आप इसको इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कैसे बदलेंगे? आप चाहे तो यहाँ पे Cl या Br या OH लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वैलिड स्ट्रक्चर कुछ ये होगा कि आप अगर आप देखें इसी स्ट्रक्चर को मैंने दूसरी दूसरी तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आपके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन्स कहलाते हैं, या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है, या फिर ये हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। मीन्स कि इन हाइड्रोजन को हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी बेस की प्रेजेंस में। तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो हाइड्रोजन ऐसा प्लस जाएगा और यहाँ पे अल्फा पोजिशन के कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के निकलने के बाद माइनस चार्ज आ जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे प्लस चार्ज है, सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको कुछ इस तरह से एक डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आप जो आपको यहाँ पे सिंथॉन मिला था ऊपर, आप उसको कुछ इस तरह से सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं, और सल्फर के साथ आप इजीली हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो ये दो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे ऊपर दो लिखे हुए सिंथॉन्स के। तो फर्दर इसमें डिस्कनेक्शन कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके सिंथेसिस को देखते हैं। तो सिंथेसिस में लास्ट दो जो स्ट्रक्चर आपको मिले थे उनको हम देखेंगे या उनको आप लेके चलेंगे। तो इनमें से अगर आप देखें तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हम इजीली किसी बेस के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही सल्फर के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से निकलेगा तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देन उसके बाद जो दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ रिएक्शन होगी। तो सल्फर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो डबल बॉन्ड के टर्मिनल कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इन टर्न डबल बॉन्ड अल्फा का पोजिशन के कार्बन की तरफ को ब्रेक
हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्मिनल कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और बीच वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, कुछ इस तरह से। और इस जो कि एसिड के साथ वर्कअप कराने पे आपको टारगेट मॉलिक्यूल वापस दे देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे आपने किसी मॉलिक्यूल जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन में है, उसके बीच में डिस्कनेक्शन कराया, और डिस्कनेक्शन कराने के बाद जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे उनसे आपने फर्दर फॉरवर्ड प्रोसेस में सिंथेसिस करके दिखाई। तो आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। तो दूसरे एग्जाम्पल को देखने से पहले अगर आप यहाँ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि 1-3 डिस्कनेक्शन में ज़्यादा रिलायबल डिस्कनेक्शन वो माने जाते हैं या वो होंगे जिसमें आपका जो थर्ड कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है वो या तो सल्फर हो या नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो। इनके केसेस में इजीली डिस्कनेक्शन और रिलायबल डिस्कनेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है उस वो या फिर वहाँ फर्स्ट पोजीशन पे जो आपका कार्बन है वो तो या तो कार्बनिल ग्रुप हो या उससे कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो या उससे कोई साइनाइड ग्रुप जुड़ा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तो 1-3 डिस्कनेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो 1-3 डिस्कनेक्शन के लिए आपको पहली पोजिशन पे कार्बनिल या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो या साइनाइड ग्रुप होने के साथ साथ आपके थर्ड पोजिशन पे जो कार्बन है उसके साथ सल्फर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसा अगर स्पीशीज जुड़ा हो तो 1-3 डिस्कनेक्शन सबसे इजीली हो जाता है। तो आगे अगले एग्जांपल से हम देखते हैं। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो फिर से कार्बोनिल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज है और उससे थर्ड पोजिशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे तो 1-3 यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में। तो आप थर्ड पोजिशन से जो हेटरो एटम जुड़ा है उसके साथ डिस्कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। जैसे आप इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और थर्ड पोजीशन के कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो यहाँ से अगर निकल जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको कि हम इस प्लस चार्ज के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और जो नाइट्रोजन है उसके साथ मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा। तो ये दो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे। इसकी अगर हम फर्दर सिंथेसिस रिएक्शन की बात करें वो बहुत ही सिंपल पिछले एग्जांपल की तरह है कि आप सबसे पहले आपने सेकेंडरी अमीन लिया जो कि साइक्लिक अमीन है, उसकी रिएक्शन आपने बेस के साथ कराई, हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ से हो जाएगा वाटर के फॉर्म में और नाइट्रोजन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दूसरा स्पीसीज यहाँ पे जो दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पर डोनेट करेगा जिससे कि डबल बॉन्ड आपका अल्फा पोजीशन के कार्बन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से, और अल्फा पोजीशन के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन और जो आपका बीटा कार्बन है या फिर जो टर्मिनल कार्बन आप मान सकते हैं यहाँ पे इसके साथ आपको एक बॉन्ड देगा। अब माइनस चार्ज के साथ आप एसिटिक वर्कअप करके आपको फिर से आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में फिर से अगर देखें तो रिलेशनशिप 1-3 का बन रहा है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर से आप थर्ड पोजीशन के नाइट्रोजन के यहाँ पर डिस्कनेक्शन करेंगे, डिस्कनेक्शन करते ही आपको प्लस चार्ज मिलेगा कार्बन पे, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है इसलिए आप इसको रिमूव करके नाइट्रोजन के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाएगा और आपको एक सेकेंडरी अमीन मिलेगा। अगर आप सिंथेसिस की बात करें तो सेकेंडरी अमीन सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नाइट्रोजन जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो अब एक इफेक्टिव स्पीसीज है जो कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे की तरह बिहेव करेगा और इस डबल बॉन्ड के साथ या फिर इसके जो आपके बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड इन टर्न अल्फा पोजीशन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अल्फा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और बीटा पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के साथ आप एसिटिक वर्कअप करके आप उसको टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे अब
काबिल ना हो कि हमने यहाँ पे CN लिया हुआ है, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थर्ड पोजीशन पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ईथर के फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है। तो हम चाहे तो इसके लेफ्ट साइड भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन का, लेकिन 1-3 रिलेशन होने की वजह से ज़्यादा रिलायबल डिस्कनेक्शन इसके राइट साइड पे होगा, यानी कि थर्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और थर्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज वाले कार्बन अगर देखें तो फिर से यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस चार्ज डोनेट करके जाएंगे। थर्ड पोजिशन पर अगर प्लस चार्ज होगा वो उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, और कुछ इस तरह से आपको दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल सकते हैं। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को अगर आप रिएक्ट कराएं तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल वापस मिल सकता है। तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास जो अल्कोहल है उसको आपने एसिड की बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेकर चले जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो सेकेंड इक्विवेलेंट है आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट उसके साथ रिएक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज कार्बन अटैक करेगा टर्मिनल कार्बन पे, इन टर्न आपका डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन के ब्रेक होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज के साथ आप एसिडिक वर्कअप करने के बाद आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये था आपका 1.3 का टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो इसमें आपने देखा कि फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि आपका कार्बोनिल हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं, या फिर साइनाइड हो सकता है। इसी तरह से जो आपका थर्ड कार्बन है उसके साथ कोई हेट्रो एटम या फिर जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन हो तो आपका 1.3 डिस्कनेक्शन होना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम और भी अपनी वीडियोज़ लेके आएंगे, तो आप हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।